थोड़ा पीछे कर ले प्लीज। और सरकार ने ये बात कही बाबा, हाँ सर भविष्य उज्जवल, थोड़ा नीचे कर लो यार। हाँ ठीक है। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमइन नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज़ हू अचीव पावर इन द एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलीबरेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डिलीबरेट किया? और बम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर की आवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिले थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज़ होंगे और वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर दो सवाल हैं, आपने ये बात कही कि दूसरे